नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ मेरा नाम है रवि। दोस्तों आज एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर बताया गया कि आरआरबी एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट हैं वो कल से फिल करी जाएंगी। कल से उसका फॉर्म ओपन होगा लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट के लिए, और 21 सितंबर से अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म ओपन होगा। ये हमें पता है क्योंकि कुछ टाइम पहले एक दूसरा नोटिफिकेशन भी आया था, तो अभी नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा जो आज आया है। लेकिन उससे पहले अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप किरण पब्लिकेशंस की बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, और काफी अच्छी बुक्स हैं, आपने पक्का इनका नाम सुना होगा। एनटीपीसी की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जेकेजीएस। तो आप इन तीनों बुक्स को फॉलो कर सकते हो। मैथ्स की ये अलग बुक है, रीजनिंग की ये अलग बुक है, और ये जीएस की बुक्स है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या होगा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है कि जो बिल्कुल बिगिनर है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मतलब उसकी वेटेज देखकर ही पता कर सकता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है उनके बेस पे कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी वेटेज ज्यादा है, सारी चीजें इस बुक के अंदर बताई हुई है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस चैप्टर को पहले करोगे और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपना सिलेबस खत्म करोगे। ये तीनों बुक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा सकते हैं। उसके लिए आपको बुक खरीदनी है वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में जो प्रीवियस एनटीपीसी के पेपर हुए तो उसमें 1 से 60 तक की सारी शिफ्ट मिल जाएंगी, और वॉल्यूम 2 जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है बुक, इसके अंदर आपको 61 से 130 तक मतलब आगे की सारी शिफ्ट मिल जाएंगी। तो 120-130 शिफ्ट आप कर लोगे तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी, और उससे आपको पता चलेगा कि अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो आप उसके लिए दोबारा से चैप्टर वाइज बुक्स पे जाकर उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन की अगर बात कर ले तो इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा कल से 14 सितंबर से, और 13 अक्टूबर को फॉर्म जो है रात को 12 बजे बंद हो जाएगा। आपके पास 1 महीने का टाइम है फिल करने के लिए। लेवल ग्रेजुएट लेवल में 2 पोस्ट आती है, लेवल 6 की मतलब लेवल 6 की पोस्ट भी आती है, लेवल 5 की भी। अब लेवल 6 के अंदर 2 पोस्ट है, एक स्टेशन मास्टर की और एक सीसीटीएसटी कमर्शियल कम सुपरवाइजर। लेवल 5 के अंदर 3 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट एंड सीनियर क्लर्क। अब दिक्कत क्या आएगी फॉर्म फिल करोगे तो, पोस्ट प्रेफरेंस की। उसके लिए मैंने वीडियो आज ही अपलोड करी है सुबह, उसके अंदर मैंने इन सारी पोस्ट की क्या खासियत है वो भी बताया, क्या इनके प्रोज हैं, क्या इनके कॉन्स हैं, किसमें ज्यादा वर्कलोड है, किसमें कम वर्कलोड है, किसमें फिक्स टाइमिंग है, किसमें रोटेटिंग शिफ्ट है, सब चीजें बताई है, और बताया है कि आपको किस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, गर्ल्स के लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत काम की वीडियो, ठीक है, पूरी देख लेना उसको, बहुत अच्छी चीज मैंने उसमें समझाई है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इजी हो जाएगा, आप खुद समझ पाओगे कि आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। ठीक है, बाकी नीचे इसके अंदर सारी की सारी जो है आपकी जो आरआरबी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है उन सबके जो है ईमेल वो दी हुई है, उनकी साइट दी हुई है, और इसके अंदर एज जो आपकी रहेगी वो 36 साल तक आप फिल कर सकते हो, क्योंकि 3 साल एक्स्ट्रा दी जा रही है इस बार, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चों का टाइम खराब हुआ था। और कितनी वैकेंसीज हैं आप देखोगे तो लेवल 6 के अंदर 2730 वैकेंसीज है, उसमें भी जो सीसीटीएस की पोस्ट है वो ज्यादा है, स्टेशन मास्टर की कम, और लेवल 5 की 5383 वैकेंसीज है। टोटल आपके पास 8113 वैकेंसीज है ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो कम है बहुत। ठीक है, तो ये छोटा सा एक नोटिफिकेशन आया, अगर शाम तक डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो जरूर देख लेना, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, अब देखो फॉर्म फिल करने लोगे ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर आपके बहुत सवाल आएंगे, और भी बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल आएंगे नोटिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो मैं डिटेल उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और उसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट आता है कोई भी, तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ इस जर्नी के अंदर। ठीक है, आरआरबी जेई के बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनकी मैं कोई भी प्रॉब्लम आती है उनकी पर्सनली सॉल्व करता हूँ, फोन पे बात करने की जरूरत पड़ती है फोन पे बात करता हूँ, अदरवाइज मैसेज पे तो मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपको भी कोई डाउट आता है और मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रवि मैथ्स वाय रवि सर इंस्टाग्राम आईडी पे, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ताकि वहां पे मैं अपना सारा अपडेट आपको दे सकूं। कोई पीडीएफ प्रोवाइड करनी है, किसी बुक्स की पीडीएफ प्रोवाइड करनी है, कुछ अपडेट देना है, तो वो सब मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। लगभग 1000 के आसपास वहां पे सब्सक्राइबर आपको मिलेंगे अनलर्निंग पाठशाला के नाम से, आप सर्च करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दोनों लिंक मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम का भी और इसका भी। ठीक है, तो बस आपको तैयारी करनी है अच्छे से, आप अच्छे से तैयारी करोगे तो ये एग्जाम निकलेगा। वैकेंसीज थोड़ी सी कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन आप सीरियसली पढ़ोगे तो एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।